नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सास बहू में क्यों होती है लड़ाई। मैं वो चार पॉइंट्स लाई हूँ जिस वजह से होती है लड़ाई। मुझे लगता है ये मेरे जितने भी आज तक केसेस देखे हैं मैंने, वो अक्सर केसेस इन चार पॉइंट्स पर ही होते हैं। ठीक है, अक्सर झगड़े इन चार पॉइंट्स पर ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये चार पॉइंट्स आपकी झगड़े का भी कारण बनता है तो इस पर काम जरूर कीजिए, क्योंकि रिलेशन जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी रिलेशन हो, ये जब तक है तब तक हमें इसका एहसास नहीं, जब ये चला जाता है तब इसका एहसास होता है। तो उस वक्त एहसास करके कोई फायदा नहीं, एहसास अभी जरूरी है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आज के वक्त में अधिकांश घरों में समस्याएं जो होती है ना, वो मेन होती है सास बहू की लड़ाई। क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही जो है, जो सबसे नाजुक और संवेदनशील होता है। इस रिश्ते में जरा सी भी चूक अगर आपने कर दी तो ये पूरे रिश्ते का जो हुलिया है ना, ये बदल के रख देता है। इसलिए हमें कुछ चीजें गौर करनी चाहिए, हमें कुछ चीजें जाननी चाहिए। और साथ में मैं आज ऐसी कुछ आदतें और जो कारण है जो मैं बताने वाली हूँ जिस वजह से होती है लड़ाई। ठीक है, लेकिन सबसे पहला कारण मैं आप लोगों को जल्दी बताती हूँ बिना देरी करते हुए। बेटे को लेकर होती है लड़ाई। ये हर घर में प्रॉब्लम है। अगर सास बहू में झगड़े का कारण अगर आप देखेंगे ना, तो ये सबसे पहला कारण होता है, वो है बेटे को लेकर होती है लड़ाई। कई बार सास बहू के बीच झगड़े का कारण बेटा ही होता है। माँ को लगता है कि शादी के बाद बेटा बदल गया है, वो सिर्फ अपनी पत्नी और उसके घर के बारे में ही सोच रहा है। इसके चलते सास सिर्फ अपनी मानसिकता के हिसाब से, यानी कि वो जो अभी सिचुएशन को सोच रही है उस हिसाब से बहू और बेटे को ताने मारती है। और साथ में बात सुनाना, यानी कि जो भी वो कल्पना कर लेती है उसी सिचुएशन के हिसाब से वो बात सुनाना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में बहू को, ये बहू का कर्तव्य है कि वो पति को समझाए कि पति माँ को समझे आखिर माँ ऐसे बदलाव क्यों कर रही है। देखिए, ये भी सही बात है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां से चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है, आप तो कोशिश करते रहिए। तो इसलिए आपको हस्बैंड को समझाना है कि माँ अभी इनसिक्योर है, उनको इतने दिनों तक उन्होंने सिर्फ आपको डील किया है, अभी आपकी डीलिंग के साथ साथ मुझे भी डील कर रही है, साथ में उनसे वो सारे ड्यूटीज छूट रहे हैं जो आज तक उन्होंने करके आया है आपके लिए। तो ये सारी सिचुएशन को समझाना पड़ेगा। तो ये किनको समझाना पड़ेगा? ये वाइफ को ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड को समझाएंगे तभी जाकर वो अपने माँ को समझ सकेंगे, माँ को समझेंगे तो वो दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस सही रहेगा तो घर में घर का एनवायरमेंट भी बहुत सही रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि घर का काम करने में भी होती है लड़ाई। देखिए, आज के समय में 80% वुमेन जो होती है ना, वो वर्किंग होती है और शादी के बाद भी वो अपना काम जारी ही रखती है, रखना भी चाहिए। ठीक है, शादी के बाद शुरू में तो इसका आपकी जिंदगी में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप ऑफिस जाते वक्त या घर लौटकर किचन में सास की मदद नहीं कर पा रही हैं, तो इसका समझ लीजिए भारी खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। इस स्थिति में समय से सुधार लीजिए स्थिति को, नहीं तो बिगड़ सकता है। और अगर समय रहते आप इस चीजों पर काम करेंगे, कैसे टाइम निकालना है, कैसे सासू माँ की भी मदद करनी है, अगर इस तरह चीजों को आप संभाल लेंगे तो चीजें बेहतर ही होंगी। ठीक है, कोई चीज टूटेगा नहीं, बल्कि सब कुछ समय रहते अच्छे तरीके से सब कुछ होगा। तीसरा कारण आता है अक्सर मायके जाना। देखिए, सास चाहे अपनी बहू से कितना भी प्यार करती क्यों ना हो, लेकिन उसे बहू का बार बार मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। भले ही सास अपनी बहू से सीधे ये बोले ना बोले, लेकिन अगर आप नोट करेंगे ना तो उनकी बातों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक खटास जरूर आ जाती है कि बहू फिर मायके जा रही है। तो इस चीज को अगर आपके घर में भी ये अगर प्रॉब्लम का कारण है तो इस पर जरूर काम कीजिए। ठीक है, अगला आता है जो लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों से तुलना करना। देखिए, घर में सबसे बड़ा झगड़े का कारण भी यही बनता है कि अक्सर हम लोग तुलना कर बैठते हैं। सास तुलना करती है बहू अपनी बहू को किसी और की बहू के साथ, और बहू तुलना करती है अपनी सास को किसी और की सास के साथ। तो जो चीज बिल्कुल गलत है, जैसे हमारे हाथ में पांचों उंगलियां है, ये बराबर तो है नहीं, तो
किसी में भी कुछ भी कम बेशी होता ही रहता है, तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है अगर शांति चाहते हैं तो। तो अगला कारण है दूसरों से तुलना करना। देखिए, वर्किंग महिलाएं अक्सर ऑफिस में अपने ससुराल खासतौर से सास की दूसरों से तुलना करती है और उसी तरह सास भी बहू की तुलना करती है, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि घर में उन लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो वो क्या होता है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन घर के दूसरे सदस्य पर निकलते रहती है। ठीक है, तो ये चीज पर काम करना जरूरी है कि कहीं किसी को इस तरह के फीलिंग्स ना आए कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है या फिर मुझे किसी और के साथ तुलना किया जा रहा है। अगर तुलना किया जा रहा है तो ये आप अपने से शुरुआत कीजिए कि कहीं आप भी तो ये चीज को नहीं करती हैं। अगर करती है तो आपको इसमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। और साथ में एक चीज और है कि हमारे घर में जो भी सिचुएशन रहेगा उसे देखकर ही घर का बच्चा बड़ा होता है, तो कल को कहीं ये सारी चीजें वो भी ना दोहराने लगे, क्योंकि उसे ये सारी चीजें जो अभी हो रही है तो वो इसी सिचुएशन को देखकर बड़ा हो रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है कि कहीं आगे चलकर ये सारी बातें उसके मुंह से सुनने को ना मिले कि मैंने तो आपको देखा है आप ऐसा किया है, या फिर मैंने दादी को देखा है ऐसा किया है। तो ये सारी चीजें ना नहीं होनी चाहिए, तो इसका सुधार आप अभी से कीजिए। अगर हर दिन नया है दोस्तों, हर दिन एक सोचने का तरीका है, हर दिन आप कोई भी काम अगर ठान लेते हैं तो उसी दिन से शुरुआत है, अभी करेंगे तो अभी से शुरुआत है, तो आपको करना है। तो ये चार पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से लाए हैं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यही प्रॉब्लम्स होती है, यही चार पॉइंट्स पर अक्सर झगड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चार पॉइंट्स को अगर सुधार लिया जाए, बैलेंस कर लिया जाए, तो घर में खुशहाली जरूर आती है। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने लाकर थोड़ा सा समझा देना, और समझना नहीं समझना आपकी बात है, लेकिन अगर घर में शांति चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, बच्चे का विकास अच्छी तरह से चाहते हैं, तो इन चार पॉइंट्स पर आप जरूर काम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।